स्वागत है आपका एनआर स्टडी में, कहानी इतिहास की। मेरे साथ मैं दिनेश निम्बावत। हमने पिछले वीडियोस में अनेक ऐतिहासिक घटनाओं को कहानी के माध्यम से समझा। आज ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना जिसके बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे कहानी के माध्यम से। इतिहास में हैदर अली टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से संघर्ष बड़ा रोचक है। आज हैदर अली वो टीपू सुल्तान के अंग्रेजों से संघर्ष की बात आज कहानी के माध्यम से करने जा रहे हैं। सबसे पहले सामान्य से जानकारी हैदर अली के बारे में। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर में बूंदीकोट नामक स्थान पर हुआ था। 1755 ईस्वी में वो डिंडीगल का फौजदार बन गया। मैसूर का राजा कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। संपूर्ण शक्ति वहां के मंत्री देवराज वो नंदराज के हाथों में थी। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने मैसूर के नंदराज से सत्ता छीन ली और वो सर्वे सर्वा बन गया। 1776 ईस्वी में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद हैदर अली ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेजों को खटकने लगी। यहीं से दोनों के बीच संघर्ष का वातावरण बनने लगा और यहीं संघर्ष का वातावरण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म देता है। तो बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 तक चला। इस युद्ध के कारणों की क्या प्रश्न ही बात करें। हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों की सहायता करना। तृतीय कर्नाटक युद्ध में हैदर अली ने फ्रांसीसियों को 4000 घोड़े दिए। हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों को सहायता दिए जाने से अंग्रेज हैदर अली से नाराज हो गए। हैदर अली वो कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के शत्रु था। हैदर अली तथा कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के बीच शत्रुता चल रही थी। मोहम्मद अली अंग्रेजों का मित्र था। हैदर अली कर्नाटक में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, परंतु मोहम्मद अली और अंग्रेजों की मित्रता इसमें बाधक बनी हुई थी। हैदर अली द्वारा मालाबार पर आक्रमण। मालाबार का शासक अंग्रेजों का मित्र था, परंतु 1766 ईस्वी में हैदर अली ने मालाबार पर आक्रमण कर दिया और उसके कुछ भूभाग पर अधिकार कर लिया। हैदर की इस कार्रवाई से अंग्रेज उससे नाराज हो गए। अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के मैत्री प्रस्ताव को ठुकराना भी कारण था। 1766 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों से मैत्री संधि करने का प्रस्ताव किया, परंतु अंग्रेजों ने हैदर अली के मैत्री प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण, यह भी कारण था। 1766 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम तथा मराठों को अपनी ओर मिलाकर हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण कर लिया, परंतु हैदर अली ने कूटनीति से काम लेते हुए इस त्रिगुट को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने मराठों को 35 लाख रुपए देकर उन्हें त्रिगुट से अलग कर दिया। इस प्रकार उसने निजाम को उत्तरी सरकार का प्रदेश दिलवाने का आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध की घटनाएं क्या रही। 1767 में अंग्रेजों तथा हैदर अली के बीच युद्ध शुरू हुआ। हैदर अली ने निजाम की सेनाओं को साथ लेकर सितंबर 1767 में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, परंतु अंग्रेज सेनापति स्मिथ ने चंगमा घाट तथा त्रिंकोमली के युद्धों में हैदर अली तथा निजाम की संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। दिसंबर 1767 में भी निजाम तथा हैदर अली की सेनाओं को पुनः पराजित होना पड़ा। इन असफलताओं से नाराज होकर निजाम ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों से जा मिला।
निजाम द्वारा साथ छोड़ देने से भी हैदर अली हतोत्साहित नहीं हुआ और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। उसने कावेरी पट्टम के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात उसने अंग्रेजों को पराजित करके मंगलोर पर अधिकार कर लिया और विजय प्राप्त करता हुआ मद्रास के निकट पहुंच गया। विवश होकर अंग्रेजों को हैदर अली के साथ एक संधि करनी पड़ी, जिसे मद्रास की संधि कहा जाता है। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच हुई, जिसकी शर्तें थी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। युद्ध के हर जाने के रूप में अंग्रेजों ने हैदर अली को एक बड़ी धनराशि देना स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को किसी भी बाह्य आक्रमण के अवसर पर सहायता देने का वचन दिया। हैदर अली ने करूर का जिला कर्नाटक के नवाब को दे दिया। बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो 1780 से 1784 तक चला। 1780 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध शुरू हुआ, जिनके कारण क्या रहे बात करते हैं। मद्रास की संधि का पालन ना करना। 1771 ईस्वी में जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली बड़ा नाराज हुआ और उसने अंग्रेजों से बदला लेने का निश्चय कर लिया। अंग्रेजों द्वारा माही पर अधिकार। अंग्रेजों ने मार्च 1779 में फ्रांसीसी बस्ती माही पर अधिकार कर लिया। इससे हैदर अली बड़ा कुर और हुआ, क्योंकि माही की बस्ती हैदर के राज्य में स्थित थी। गुंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। गुंटूर निजाम के भाई बसाला जंग की जागीर में था, वो फ्रांसीसियों से जा मिला। अतः 1779 में अंग्रेजों ने गुंटूर पर अधिकार कर लिया। गुंटूर का रास्ता हैदर अली तथा निजाम के राज्य से होकर जाता था, अतः हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया। इधर हैदर तथा फ्रांसीसियों की मैत्री। हैदर फ्रांसीसियों से युद्ध सामग्री खरीदता था, इस कारण भी अंग्रेज हैदर अली से नाराज थे। अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने निजाम तथा मराठों को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध एक त्रिगुट का निर्माण कर लिया। युद्ध की घटनाएं क्या रही। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने एक विशाल सेना लेकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें अनेक स्थानों पर पराजित किया। उसने 10 सितंबर 1780 को अंग्रेज सेनापति कर्नल बेली को परास्त किया और उसे बंदी बना लिया। दूसरा सेनापति हेक्टर मुंड्रो भी परास्त होकर मद्रास की ओर भाग गया। अक्टूबर 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया। हैदर अली की सफलताओं से वॉरेन हेस्टिंग्स बड़ा चिंतित हुआ। उसने गुंटूर का प्रदेश निजाम को देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। उसने मराठों को भी हैदर अली से अलग कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने सर आयरकुट के नेतृत्व में एक विशाल सेना हैदर अली के विरुद्ध भेजी। 1781 में सर आयरकुट ने हैदर अली को पोर्टनोवो तथा सोलिनगढ़ नामक स्थानों पर पराजित किया, परंतु 1782 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर दिया। युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा। उसने अंग्रेज सेनापति मैथ्यूज को पराजित करके उसे बंदी बना लिया। दूसरी ओर अंग्रेजों ने पाल घाट तथा कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया। अंत में 1784 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच एक संधि हो गई, जिसे मंगलोर की संधि कहा जाता है।
टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष भी रहा। बड़ा रोचक देखते हैं, टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। उसका जन्म 1749 ईस्वी में हुआ था। वो सुशिक्षित व्यक्ति तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। युद्ध विद्या एवं सैन्य संचालन में निपुण था। उसने अपने पिता हैदर अली के साथ अनेक सैनिक अभियानों में भी भाग लिया था। जब दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई तो टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। बैठते ही उसे अंग्रेजों से संघर्ष का सामना करना पड़ा और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मंगलोर की संधि करनी पड़ी। मंगलोर की संधि 1784 में हुई। 11 मार्च को टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य इसकी शर्तें भी थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए प्रदेश तथा युद्धबंदी लौटा दिए। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि मैसूर राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा संकट काल में उसकी सहायता करेंगे। अंग्रेजों को मैसूर में व्यापार के पूर्व अधिकार प्राप्त हो गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों की कहानी क्या जानते हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना थी। मंगलोर की संधि से असंतुष्ट थे। कॉर्नवालिस की महत्वाकांक्षा इस समय चरम पर थी। टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना, टीपू का घुंटूर पर अधिकार। तत्कालीन कारणों बात की जाए तो टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण करना। टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग क्रांगनूर वो आईकोर्ट खरीदना चाहता था, लेकिन त्रावणकोर के राजा ने उन्हें खरीद कर टीपू को नाराज कर दिया। 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के समर्थक त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस ने विशाल सेना के नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने वीरतापूर्ण मुकाबला किया लेकिन अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर सका। 23 मार्च 1792 ईस्वी को श्री रंगपट्टम की संधि की। अब श्री रंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी को हुई, इसमें भी कुछ शर्तें रखी गई। मैसूर का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। 3 करोड़ से अधिक क्षतिपूर्ति की राशि देना स्वीकार की। क्षतिपूर्ति की अदायगी तथा टीपू के दोनों पुत्र मोइजुद्दीन और अब्दुल खलील को अंग्रेजों के बंधक के रूप में रखना स्वीकार करना पड़ा। जानते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी जो 1799 ईस्वी में हुआ। इनके कारणों की कहानी देखें तो अपनी पराजय का बदला लेना, मैसूर का जो अंग भंग हो गया था उसे शुद्ध होकर टीपू बदला लेना चाहता था। टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करना, लॉर्ड वेलेजिले द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू द्वारा ठुकरा देना भी कारण था। इधर नेपोलियन से पत्र व्यवहार करना, टीपू द्वारा फ्रांसीसियों का सार्वजनिक सम्मान करना, ये कारण थे। सहायक संधि का प्रस्ताव अस्वीकार करने पर फरवरी 1799 ईस्वी में वेलेजिले ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टीपू ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया लेकिन विशाल ब्रिटिश सेना ने 5 मई 1799 ईस्वी में श्री रंगपट्टम के किले पर अधिकार कर लिया। टीपू संघर्ष करता हुआ मारा गया। टीपू के परिवार को वेलोर में नजरबंद कर दिया गया। 9 जुलाई 1799 ईस्वी को वेलेजरी ने नव स्थापित मैसूर के नए शासक से सहायक संधि कर गए मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया। तो ये कहानी थी हैदर अली और टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से संघर्ष की। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं को कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच लाता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ दिनेश निम्बावत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम आपके स्टैंड पर NR स्टडी, इसे जरूर शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।